अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों भाइयों बच्चों, नजीब गायब नहीं हुआ, नजीब को गायब किया गया है। नजीब तो अपने रूम में नमाज पढ़ के कलाम पाक पढ़ के लेटा था, उसको खटखटा के निकाला गया बाहर। और पहले उस पर 3 लोगों ने हमला किया, फिर 9 लोगों ने मारा उसको, तब भी उनका दिल नहीं भरा। लाते घूसे थप्पड़ चप्पल जो भी कुछ हाथ आया सब तरह से पीटा मेरे बच्चे को, फिर भी उन्हें अकेले पर रहम नहीं आया। कॉल करके और लड़कों को बुलाया, बचाने वालों ने उसे ले जाके नाक से मुंह से खून बह रहा था, बाथरूम में मुंह धोने के लिए ले गए इसको, वहां भी बैठ गए, पहुंच गए बच्चे अंदर, वहां भी उसको बहुत मारा। फिर बच्चों ने कहा, बचाने वालों ने कि पहले वार्डन को बुलाओ, सिक्योरिटी को बुलाओ तो नजीब को बाहर निकालो। सिक्योरिटी आई, वार्डन आया, लेकिन नजीब को आगे कर दिया गया, पीछे सिक्योरिटी और वार्डन था। 150 लोगों ने बच्चे पे मेरे हमला किया, उसको बुरी तरह से मारा, बाल सर सब कुछ उसके बकौर डाला। मेरा बच्चे ने फिर भी उफरेगी और माफी मांगता रहा कि मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन बस जालिमों ने नहीं सुनी और मेरे बच्चे को लगातार ऊपर से लेके नीचे तक मारते हुए लाए, हॉस्टल तक बाटल के रूम तक मारते रहे। अब बाटल ने कुछ नहीं कहा, सिक्योरिटी गार्ड ने बचाया, सब हट गए। जब मैंने उनसे सवाल किया क्यों किया आपने, तो कह रहे मैडम 150 लोग थे, हम क्या करते, बताए मेरे बच्चे का क्या किया होगा इन लोगों ने। मैं बार बार जब ये याद करती हूँ मेरा कलेजा बढ़ जाता है। मेरा बच्चा तो घर में भी कभी किसी से उफ नहीं करता था, छोटे बार में भी कुछ कह देते थे तो हंस के टाल देता था। मेरा नजीब तो बहुत सीधा है, पढ़ने के और नमाज के सिवा उसका कोई और काम नहीं दूसरा। उसके बाद उसको उसके बच्चे कुछ बचाने वाले उसको ले जाते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ कहा जाता है पहले पुलिस FIR करो तो हम मेडिकल करेंगे। उसने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पढ़ना है, मेरा करियर काला हो जाएगा। उसने कोई कंप्लेंट नहीं की, वहाँ से मुझे फोन किया, अम्मी मुझे हॉस्पिटल लाया गया है। मैंने पूछा क्या हुआ तुम्हें, कहने लगा अम्मी मुझे मारा पीटा गया है, इन लड़कों ने मुझ पर हमला किया है। मैंने बताओ कहाँ लगी है चोट तुम्हें, अम्मी परेशान मत हो मैं ठीक हूँ, कह के फोन रख दिया। उसके बाद मैंने उसके रूम पार्टनर को फोन किया, क्या हुआ मेरे बच्चे को, उसने कहा आंटी आप घबराए ना, नजीब ठीक है, उसको हॉस्पिटल लाए लेकिन मेडिकल नहीं करा रहा है, वो आपके पास आना चाहता है, वो हॉस्टल नहीं जाना चाहता। मेरा बच्चा अम्मी अम्मी कह के मेरे पास आना चाहता था, क्या उसको रोको संभालो, अम्मी आ रही है उसके पास। रास्ते भर में उससे कांटेक्ट में रही, बराबर में उससे बात करती रही, और जब मैं आरंग बिहार पहुंची बस अड्डे पे तो उसने मुझसे कहा अम्मी कहा, मेरे कहा मैं और पहुंच गई हूँ, बस अब पहुंचने वाली हूँ तुम्हारे पास। लेकिन जब मैं हॉस्टल पहुंची तो 12:30 बजे मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला, जालिमों ने मेरे बच्चे को गायब कर दिया। उस जख्मी हालत में कहा है मेरा बच्चा, मैं बार बार दिल्ली पुलिस से यही पूछती हूँ कहा है मेरा नजीब, 3.5 महीने होने गया है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, उल्टे सवाल मुझसे किए जाते हैं, मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है, मेरे जानने वालों के घर छापे मारे जा रहे हैं, जिन्होंने जुल्म किया वो खुले घूम रहे हैं, उनसे कोई नहीं पूछता तुमने क्यों किया ऐसा। ये इंसाफ है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे साथ ये जुल्म क्यों हुआ, मेरे बच्चे पे तरह तरह के इल्जाम लगा है। मेरा नजीब इतना टैलेंटेड है कि 4 यूनिवर्सिटी क्वालिफाई करके वो JNU पहुंचा और उसको रोक लिया गया कि आगे जाके ये अब्दुल कलाम ना बन जाए, इसलिए कि मुसलमान आगे कुर्सी पे बैठेंगे तो हमारी मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन
मेरे पास आए आप लोगों से, आप लोग भी मुझसे वादा करिए कि हम नहीं रुकेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, JNU भेजेंगे और ऑक्सफोर्ड भेजेंगे, और हम नहीं रुकेंगे। मेरा जीप जहाँ कही है आप लोगों की दुआ से वो सलामत है, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा जहाँ कही है सही सलामत मुझ तक जरूर पहुंचेगा। आप लोगों की आवाज अल्लाह के दरबार में जरूर एक दिन कबूल होगी, वो बच्चे को मेरे वापस करेगा। बस मैं इतना ही कह पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं।